जम्मू कश्मीर के उरी में एक बार फिर से आतंकवादियों की घुसपैठ नाकाम हो गई। सेना के जवानों के साथ आतंकवादियों की मुठभेड़ भी हुई। आतंकी यहां ड्रोन से घुसपैठ की निगरानी कर रहे थे, जिसे सेना ने मार गिराया। जम्मू कश्मीर के उरी में एक बार फिर से सेना ने सूझबूझ के साथ आतंकवादियों की घुसपैठ नाकाम कर दी। आज सुबह आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। इस दौरान सेना के जवानों और आतंकवादियों में मुठभेड़ भी हुई। पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराया जा रहा था। यह जवानों ने एक ड्रोन में हवा में देखा, लेकिन गोलीबारी करने पर आतंकवादियों ने ड्रोन वापस ले लिया। अधिकारियों ने बताया कि आतंकी बारामुल्ला जिले में उरी सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सेना के जवान इस घुसपैठ को लेकर अलर्ट मोड पर थे। सेना ने आतंकवादियों के फरार होने के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान कुछ बरामदगी हुई या नहीं, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। आतंकी सीमा पार से भारत सेना पर नजर रखे हुए हैं, ताकि वे आसानी से घुसपैठ कर सके। हालांकि भारतीय सेना ने बड़ी सूझबूझ के साथ ड्रोन पर फायरिंग की और सीमा पार बैठे ड्रोन के हैंडलर ने उसे वापस ले लिया। इससे पहले 3 मई को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। सेना ने यहां 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। अप्रैल महीने की शुरुआत में भी आतंकवादियों ने घुसपैठ की, लेकिन पुंछ में धारा 1 के बाद आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया, जबकि 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से लगातार घुसपैठ की कोशिश होती है। ड्रोन की मदद से हथियारों की खेप लगातार भेजी जाती है। हालांकि भारतीय सेना अपनी सूझबूझ से आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करते हैं। अगले हफ्ते यहां श्रीनगर में G20 की मीटिंग है। ऐसे विदेशी मेहमानों की सुरक्षा का अहम जिम्मा है। तो दोस्तों, सेना से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबर पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी नई किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।